नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातलामी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अक्सर चर्चा में रहते हैं बिहार में और बिहार की राजनीति में। ऐसे में वे भाजपा के हनुमान बनकर के काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने अपने हनुमान को एक के बाद एक झटका देने का सिलसिला लगातार शुरू रखा है। आपको बता दें कि उनके चाचा चिराग पासवान जी के चाचा, जिन्होंने लोजपा को दो टुकड़े में बांटने का काम किया, उन्हें भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बना करके चिराग पासवान को एक बड़ा झटका तो दिया ही था। उस बात के घाव से चिराग पासवान अभी तक उबर नहीं पाए थे, लेकिन एक और बड़ी बात आ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के एक बड़ी बात यह आ रही है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला, जी हां, हम बात कर रहे हैं 12 जनपथ दिल्ली का, वो बंगला जो कि पिछले माफ कीजिएगा 31 वर्षों से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है वो पता हुआ करता था, उसे खाली करने का आदेश दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर है जो भातलाई की टीम आपको बता रही है कि चिराग पासवान से मोदी सरकार ने रामविलास पासवान वाला जो बंगला है, 12 जनपद वाला बंगला, उसे छीन लिया है। अब जो है ये बंगला केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है, आपको बता दें कि जो रेल मंत्री है, माफ कीजिएगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को ये बंगला दे दिया गया है और चिराग पासवान जी से छीन लिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी जब आपको चिराग पासवान जी के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री बने थे, उस समय भी इस बात के कयास लग रहे थे कि चिराग पासवान जी को बंगले से बेदखल करके उन्हें जो है, आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जी को दिया जा सकता है, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी ने इस पूरे मामले में अपनी टिप्पणी की थी, जिसके बाद शरद यादव जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, शरद यादव जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका जो बंगला है उसमें अब पशुपति कुमार पारस जी रह रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी को शरद यादव वाला बंगला जो है आवंटित किया गया था, लेकिन अब जो है चिराग पासवान जी वाले जो बंगले, जिसमें रामविलास पासवान जी वाला बंगला, हम बात कर रहे हैं 12 जनपद वाले बंगले जिसमें अभी जो है रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की पत्नी रीना पासवान जी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रह रहे थे, उस बंगले को तत्काल प्रभाव में अब खाली करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखने वाली जो मिनिस्ट्री है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने पहले ही जुलाई के दूसरे सप्ताह में चिराग पासवान जी को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। अब जो है अगस्त आ गया है, ऐसे में मिनिस्ट्री की ओर से यह बात कहा गया है कि चिराग पासवान जी अब 12 जनपद वाला जो बंगला है, जिससे रामविलास पासवान जी की यादें जुड़ी हुई थी, उस बंगले को अविलंब खाली कर दिया जाए। यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार ने चिराग पासवान जी को एक बड़ा झटका दिया है, अपने हनुमान को एक बड़ा झटका दिया है, और इस झटके में जो है एक बार फिर से चिराग पासवान जी का बंगला जो है उनसे मोदी सरकार ने छीन लिया है। रेल मंत्री जी को बंगला दे दिया गया है, जिसमें पिछले 31 वर्षों से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और उनका परिवार रह रहा था। आपको बता दें कि 1989 से ही 2020 तक जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस बंगले में रहे, यानी कि जब तक उनकी सांसें थी 2020 तक, तब तक वे उसी बंगले में रहे। हम बात कर रहे हैं 12 जनपद वाले बंगले में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे थे, और अब जो है ये बंगला उनकी यादों से मिटा दिया जाएगा, यानी कि ये बंगला जो है छीन ली है मोदी सरकार ने, चिराग पासवान जी को उस बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया। यानी कि बातें अब जो है बिगड़ चुकी है। अब क्या कुछ कहते हैं चिराग पासवान जी, इस बात का इंतजार रहे होगा, और क्या इस पूरे मामले में एक्शन आता है, क्या रिजल्ट आता है, इस पर भी अभी जो है जवाब आने बाकी हैं। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।